गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं हिंदी। और हिंदी में कल हमने क्या किया था? हिंदी में कल हमने पढ़ा था एक नया पाठ, और वो पाठ कौन सा था? स्तुति ने लिखा पत्र, पाठ 12, स्तुति ने लिखा पत्र। और आज हम इस पाठ के करने वाले हैं कुछ शब्द। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा पहला शब्द है प्रिय। प्रिय, प्रिय का क्या मतलब होता है? प्रिय मतलब प्यारी या फिर प्यारा। प्रिय मतलब प्यारी और प्यारा। अधप यारी, प्यारी नहीं लिखेंगे, प्यारी। अगला शब्द है शादी। शादी, और शादी का क्या अर्थ होता है? शादी का अर्थ, शादी का मतलब होता है विवाह। विवाह, 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 विवाह। अगला शब्द है तिरंगा। तिरंगा, तिरंगा, तिरंगा मतलब तीन रंगों का झंडा। तिरंगा का क्या मतलब होता है? तीन रंगों का झंडा। अगला शब्द है पुस्तक। पुस्तक, और पुस्तक का अर्थ क्या होता है? पुस्तक का अर्थ होता है किताब। की ताब, किताब, की ताब, किताब, किताब नहीं होता है किताब। अगला शब्द है प्रणाम। प्रणाम, प्रणाम करना मतलब नमस्ते करना। नमस्ते, नम आधस त ए, नमस्ते, नम आधस त ए, नमस्ते। अगला शब्द है सहेली। सहेली, और सहेली का अर्थ क्या होता है? सखी। सखी, स ख ई, सखी। तो प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है? आपको ये 6 शब्द अर्थ हैं जो आपको अपनी हिंदी नोटबुक में लिखने हैं और इनको याद भी करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, घर पर रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।